हेलो जीनियस पीपल, वेलकम बैक टू MSE। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 11th में हैं दोस्तों, और साथ में आपने लिया है हिंदी म्यूजिक वोकल, तो आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपका सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और बताने लगा हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपका सिलेबस जो है मेरे सामने है, और ये है कि आपको डेफिनेशन आनी है, संगीत ध्वनि नाद श्रुति स्वर सप्तक थाट जाति राग स्वर मालिका लक्षण गीत निबद्ध अनुभव, जितनी भी डेफिनेशन आपको आनी है वो सारी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में है, साथ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार तो सुन लीजिए, साथ में अगर आपको नोट्स लेने हैं आप नोट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी चॉइस है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ रागास, तो राग जो है आपको जो आपके सिलेबस में है वो सेम है जो प्लस टू में भी आने हैं आपको, उससे बल्कि कम है, 2-3 राग आपको आने हैं। और मेरे ख्याल से जब मैं प्लस वन में था तो मैंने किए थे राग भैरव और मैंने किया था राग मालकौंस, ये 2-3 राग किए थे मैंने और यही पेपर में एग्जाम में आए थे। आपको अपने टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि जो क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे टीचर ही डालते हैं, मोस्ट प्रोबेबली स्कूल टीचर्स ही डालते हैं। तो 2-3 राग कर लीजिए और डेफिनेशन पक्का करके जाइए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेशन आना ही आना है, तो 6 मार्क इन दोनों से पक्के हो गए। तो तीसरी जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि करेक्ट स्केच, हमारे चैनल पे आपको सारे करेक्ट स्केच मिल जाएंगे, और आपके सिलेबस में करेक्ट स्केच है वो है मिया तानसेन, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के अलावा हमारे पास दोनों के दोनों करेक्ट स्केच अवेलेबल है, और करेक्ट स्केच में चॉइस आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में 2 करेक्ट स्केच लिखने होते हैं, तो मेरा मानना तो यह है कि आपको दोनों करेक्ट स्केच, तीनों करेक्ट स्केच अच्छी तरह करने चाहिए, क्योंकि इन ये सबसे ईजी क्वेश्चन है, आपको 8 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ये 3 तो पक्के करके जाइए। उसके अलावा जो 4th क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ ध्रुपद ख्याल अंतराना और घराना की नॉलेज। आपको बस ये बहुत सिंपल रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, ध्रुपद ख्याल तराना और घराना। घराने में भी बहुत टाइप्स के घरानों के टाइप, पर ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये आपको क्वेश्चन करके जाना चाहिए 5 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब हो गया 4 × 5 20 मार्क्स पक्के। तो उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए अटेम्प्ट, वो है ताल नोटेशन। तो जो आपको ताल आनी है वो 3-4 ताली आएगी आपको, 1 ताल 3 ताल झप ताल, ये 3-4 ताली आनी है आपको, और आपको एक क्वेश्चन में 2 ताले या 3 ताले पूछेंगे, और आपको ये आपने करना है कि आपको 2 पेज भरने हैं या फिर 1 पेज को पूरा भर दीजिए। अगर आपका ऐसे वाला पेज है तो, अगर आपका पेज हॉरिजॉन्टल है तो आपको 2 पेज भरने चाहिए, अगर आप ये कर देंगे तो आपके 5 × 6 दैट मीन्स 30 मार्क्स आर डन फॉर यू, आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे सिलेबस में 2 और चीज़ें बचती हैं वो है, एक तो आपको राग नोटेशन यहाँ करनी पड़ेगी और राग का परिचय याद करना पड़ेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके अलावा आपको याद करना पड़ेगा नाट्यशास्त्र के एलिमेंट्स, यानी नाट्यशास्त्र के जितने भी फीचर एलिमेंट्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से वो डिफिकल्ट है, इसलिए अगर आप मेरी बात मानो तो पहले 5 जो मैंने बताए हैं क्वेश्चंस वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि वो सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। उसके अलावा आप बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल की, तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिकल में आपको कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला, जैसे 12th में होता है उसे कम ही पूछेंगे आपसे, आपको अपने आपके प्रैक्टिकल में पूछेंगे कि एक तो कि आपको राग बता दीजिए, आप कोई भी राग वो गा के दिखाएंगे, उनमें बताएंगे कि ये जो चीज़ें हैं वो वर्जित स्वर हैं। जैसे सोचिए अगर उन्होंने राग भैरव का पूछ लिया तो आप कहेंगे कि इसमें ये स्वर वर्जित हैं, कोई भी ऐसे राग पूछ सकते हैं आपको, ये आपको कई बार ऐसे हो सकते हैं पूछ सकते हैं कि अच्छा ये स्वर वर्जित है ये कोमल है तो बताइए राग कौन सा है, राग पहचान सकते हैं, या फिर आपको कोई भी राग दे देंगे, आपने बताना है उसमें वर्जित स्वर कौन से हैं, वादी स्वर कौन से हैं, संवादी स्वर कौन से हैं, एक क्वेश्चन ये पूछेंगे प्रैक्टिकल में। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे कि इस प्रैक्टिकल में पूछेंगे आपसे कि आपको कोई भी ताल अपने हाथों पे करके दिखानी है, जैसे 1 ताल 3 ताल 4 ताल आपने अपने हाथों पे ऐसे करके दिखा देनी है उनको, और ये बहुत सिंपल है ये प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल में, वो पूछ सकते हैं कि कोई भी राग की नोटेशन आपको गा के दिखा देनी है, जैसे कोई भी राग हो आपको उसकी नोटेशन विदाउट, मतलब कि अगर आपको आपको स्वर के अलावा अगर आप वो भी गा दो ना, उसके जो लिरिक्स हैं वो भी गा दो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो ये 3 क्वेश्चन जो मेनली आते हैं आपके प्रैक्टिकल में, तो मेरे हिसाब से क्लास 11 बहुत ज़्यादा इजी है, और होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एंड योर एग्जाम्स। सब्सक्राइब टू MSE, बाय।